अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं सोयो सॉलिडारिटी वैल्यू कंसेंसस के हवाले से, ठीक है, ये थ्योरी हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया हुआ है, इसके ऊपर इमल दर्केन सबसे ज्यादा फोकस करेगा, ठीक है जी। चलें, यहां तक ये बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरी बात समझना, थोड़ा सा टेक्निकल। ये चीजें तो हमने बचपन में पढ़ ली थी, सही है, बचपन का मतलब एएस में पढ़ ली थी, ठीक है। अब हम एक्चुअल के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, एजुकेशन एज अ ब्रिज बिटवीन, सुना, एजुकेशन एज अ ब्रिज बिटवीन पर्टिक्यूलरिस्टिक एंड यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज। पर्टिकुलर ये नहीं पता, यूनिवर्सल पर्टिकुलर याद भाई, यूनिवर्सल का मतलब होता है आम आदमी से कैसे डील करना है, पर्टिकुलर का मतलब किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप के साथ कैसे डील करना है, ठीक है भाई। पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज स्टैंड फॉर वॉट, यूनिवर्स। अब देखो ये वैल्यूज वो होती है जो ज्यादातर हमें फैमिली सिखाती है, एम आई राइट, जब आप बच्चे होते हो, छोटे होते हो, क्योंकि आपकी एक माइक्रो लेवल प्राइमरी सोशलाइजेशन हो रही होती है। सर अच्छा ओके, समझ आई बात। अब एजुकेशन में जब आप आते हो तो एक ब्रिज क्रिएट किया जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको माइक्रो टू मैक्रो वर्ल्ड के लिए एक तरह से प्रिपेयर कर रहा होता है, इकोनॉमिक वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, ठीक है। तो मैक्रो वर्ल्ड की प्रिपरेशन में क्या करता है, एजुकेशन जो होता है आपको यूनिवर्सलिस्टिक प्रिंसिपल सिखाता है, एम आई राइट, सही। पर्टिकुलरिस्टिक, आपको एक फैमिली ने एक बेसिक ग्राउंड दे दिया, अब एजुकेशन सिस्टम आपको ट्रेन करेगा हाउ टू बी एन इफेक्टिव इंडिविजुअल एट द वर्क फोर्स, एम आई राइट, हाउ टू बी अ वेरी गुड इंडिविजुअल, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल एज अ पार्ट ऑफ अ वर्क फोर्स, एम आई राइट, आप एक वर्क फोर्स का पार्ट होते हुए कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब उसमें जाहिर सी बात है मार्क्सिज्म आ जाएगा तो वो अपनी बात करेगा, वो आगे जाके बात करेगा, डेफिनेटली बात है, हमें उसको मार्क्सिज्म के नजर एक पैसिव वर्क फोर्स चाहिए। लेकिन अगर अब बहुत सिंपल सी बात है, हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर है, ठीक है, हम आपको लेजी कर दें, क्या कर दें, लेजी कर दें, हम आपको इतनी इज्जत करेंगे आप भूल जाए, ठीक है। जब आप वर्क प्लेस में जाएंगे जहां पर आप बेइज्जती होगी ज्यादा फील होगी, हमारा इसीलिए यूनिवर्सिटीज आपको बहुत ज्यादा रोबस्ट कर देती है इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, ठीक है। जो बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, चाहे आप आईवी लीग की बात कर लें, बाहर पाकिस्तान की भी बात कर लें, वो आपको इतना स्ट्रांग कर लेती हैं असाइनमेंट्स देके, प्रेशर देके, ताकि आप वर्क प्लेस प्रेशर को हैंडल कर सकें, एम राइट। अब जो अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं होती हैं, जो कुछ भी नहीं करवाती इंसान से, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब वो वर्क प्लेस पर जाता है तो वो एक यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज के लिए वो प्रिपेयर नहीं होता, एम राइट, ठीक है, यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज के लिए प्रिपेयर नहीं होता, ठीक है, उसको प्रेशर हैंडलिंग नहीं आती है, वो प्रेशर के अंदर, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, प्रेशर के अंदर वो सही से काम नहीं कर पा रहा होता, सही है, वो परेशान हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक ऐसा बंदा जैसे ऐसी यूनिवर्सिटी से गया है जहां पे उसको प्रेशर हैंडलिंग सिखाई गई थी, वो डेफिनेट सी बात है वो उसको बेहतर तौर पर परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम जो होता है ना, वो आपको एजुकेशन सिस्टम जो होता है ना, वो आपकी एक जर्नी होती है। एजुकेशन सिस्टम आपको क्या करता है, आपको एस्क्राइब टू अचीव स्टेटस की तरफ लेके जाता है। एस्क्राइब स्टेटस ये होता है डैडीज स्टेटस, क्या होता है, फैमिली स्टेटस, ठीक है। अब क्या होता है, आप दरअसल अचीव वो होता है जो आप खुद हासिल करते हो, ठीक है। आप एस्क्राइब स्टेटस, वही फैमिली वाली बात थी, और ये कहां से आया, एजुकेशन से आया, एनी कंफ्यूजन के लिए, एम आई राइट रॉन्ग, क्लियर हो गया, सही है, यानी हाँ, ये समझ नहीं आया, एस्क्राइब स्टेटस मेरे बहुत सिंपल सी बात है, देखो एस्क्राइब स्टेटस का मतलब होता है डैडी स्टेटस, फैमिली स्टेटस, इट कुड बी क्लास के साथ लिंक कर सकते हैं आप इसको, या आप वैल्यूज के साथ भी लिंक कर सकते हैं, सही है, फंक्शनलिस्ट ज्यादातर इसको वैल्यूज के साथ लिंक करते हैं, ठीक है। तो एक वो चीज है, एक वो है जो आपने एजुकेशन हासिल की और अपना एक स्टेटस को चेंज किया, समझ आई, अब बहुत सिंपल सी बात है, जैसे टीसीएफ है, द सिटीजन फाउंडेशन जो है, वो क्या करता है, वो इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करता है,
they just want to create a chain from ascribe to achieved status. एक बंदा जो lower working class से ताल्लुक रखता था, सही है, वो through education एक achieved status, एक middle class individual के तौर पे, effective workforce worker के तौर पे सामने आए. समझ में आई बात? तो ये उनका एक achieved status to ascribed status वाली बात है कि हमने ascribed status to achieved status वाली बात है कि हमने एक इंसान की belonging कहीं और से थी, लेकिन वो जब वो आगे आया, जब उसने education हासिल की, तो उसका status बेहतर हो गया. Am I right? कंफ्यूजन नहीं आता कोई यहां तक? किसी को कोई मसला? मैडम, मैडम, सर, सर, नहीं समझ आ रहा? हमजा कहां फंस रहे हो? ठीक है, अच्छा जी, यहां तक कोई मसला? यहां तक कोई कंफ्यूजन? मैडम सही है, ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. अब मैं इस चीज को जो थोड़ा सा आगे, अच्छा अब ये जितनी भी थ्योरीज हैं, ये जितनी भी कहानी है, ये सारी की सारी टैलकॉट पार्सन्स ने डिफाइन की है. सारी की सारी ये टैलकॉट पार्सन्स का कमाल है. एम आई राइट? ठीक है जी, एनी कंफ्यूजन टेल यार? दो थ्योरीज हो गई, दो पैराग्राफ बना सकते हो, सही है. अब आते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ. देखें, अब हमारे जो फंक्शनलिस्ट हैं, उनका आर्गुमेंट ये है कि एजुकेशन सिस्टम इज मेरिटोक्रेटिक. इस बात को समझते हैं, या आप कह सकते हैं इट इज अप्रूविंग ग्राउंड फॉर एन इंडिविजुअल. एक इंसान के लिए एजुकेशन सिस्टम एक प्रूविंग ग्राउंड है. ठीक है, एम आई राइट? एजुकेशन सिस्टम इज मेरिटोक्रेटिक. इस बात को समझ लो, मेरिटोक्रेटिक का वर्ड समझ लो, ये जिंदगी में तुम्हारा तकरीबन अगले एक साल तक पीछा नहीं छोड़ेगा. मेरिटोक्रेटिक, मेरिट बेस्ड सिस्टम का होना. क्या होना? मेरिट बेस्ड सिस्टम क्या होता है? जहां पर हम हर किसी को चांस दें आगे बढ़ने का. बेशक वो आगे बढ़ पा रहा है नहीं बढ़ पा रहा, हम उसकी बात नहीं करेंगे इसके अंदर. फंक्शनलिस्ट नेवर टॉक अबाउट दीज थिंग्स. लेकिन फंक्शनलिस्ट ये कहते हैं कि भाई एजुकेशन सिस्टम क्या है, वो मेरिटोक्रेटिक ग्राउंड्स पे, यानी कि वो हर इंसान को चांस जरूर देता है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो आप आगे बढ़ सकते. यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है, अब वही वाली बात, ट्राइपार्टाइट सिस्टम वाली बात मैंने डिस्कस की थी कल की क्लास के अंदर, कि भाई हर बंदे को 11 प्लस एग्जाम देने का चांस मिल रहा है. अब देखो मैंने ये एग्जांपल दी, बहुत सारे बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं देखा हुआ था, वो सुन नहीं समझ आया ना मैंने क्या कहा? खत्म, कोई खैर होती है, कोई मसले, अब लेक्चर देखोगे तो समझ में आएगा. ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बात? ठीक है, अब क्या हुआ, यानी कि हर बंदे को चांस मिल रहा है आगे बढ़ने का. ठीक है, ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई मसला? ठीक है, अब ये बात किसने कही है? ये जो मेरिटोक्रेटिक की कहानी है सारी, ये सारी की सारी कहानी हमारे पास हमारे डेविस एंड मोर अंकल ने डिफाइन की कहीं पे भी. अब देखो मेरी बात सुनो, अब मैंने क्या किया, मैंने पूरे आर्गुमेंट्स को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया. अब इधर देखना, टेक्निक समझना, ताकि तुम्हें याद करने में आसानी. मुझे एक एक बंदे की अटेंशन चाहिए, कुछ नहीं करोगे अभी बैठ के दो मिनट तक, सही? ओके, इधर देखना, समझना. तीन तरह के आर्गुमेंट्स हैं. क्या है बेटा? तीन तरह. पहला आर्गुमेंट है सॉलिडारिटी लिंक, दूसरा आर्गुमेंट है वैल्यूज लिंक, तीसरा आर्गुमेंट है मेरिटोक्रेसी लिंक. एम आई राइट? सही है. सॉलिडारिटी लिंक सारी कहानी एम एल दरकेम की, वैल्यूज लिंक सारी कहानी, मेरिटोक्रेसी की सारी लिंक कहानी. एम आई राइट? टेक्निक समझ में आ रही है? यानी कि तुम्हारा पूरा फंक्शनलिस्ट का आर्गुमेंट तुम्हारे जहन में बैठा हुआ है. अगर तुमने तीन चीजें समझ ली कि जितनी भी सॉलिडारिटी और कंसेंसस की कहानी है सारी दरकेम के नाम पे डाल दो, जितनी भी वैल्यूज की कहानी है सारी पार्सन्स के नाम पे डाल दो, सही है, और जितनी भी मेरिटोक्रेसी की कहानी है वो डेविस एंड मोर के नाम पे डाल दो, तुम्हें पूरा आर्गुमेंट समझ में आ जाएगा. तुम फंसोगे ही नहीं इंशाल्लाह. सर, फंक्शंस की बात करते हैं,
वो थोड़ा सा हट के, बिल्कुल हट, बिल्कुल बात हम, ये कोर अप्लाइड है, कोर अप्लाइड है, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब इसी के साथ हमारे पास बहुत सारे फंक्शन, जैसे हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात करते हैं, सही है। अब अगर हम इस बात को देखें, ट्रांसफर ऑफ कल्चर की बात करें, एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ऐसी बात है या नहीं है, ठीक है। अब देखो ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स, इसमें दो चीजें लिंक होती हैं, एक होती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन वाली बात, दूसरी कौन सी लिंक होती है, दूसरी लिंक होती है बेटा इसके अंदर सोशल कंट्रोल की थॉट। एनी कंफ्यूजन टेल यार, एनी प्रॉब्लम टेल यार, समझ में आई बात। ये सारी की सारी कहानी पार्सन्स के नाम, ये डरकेम के नाम, और ये टेक्निक समझ में आई। किसी बच्चे को कोई मसला इस बोर्ड पे पहले मुझे बताए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस बॉस, ये वाली बात, एजुकेशन सिस्टम इज अ प्रूविंग ग्राउंड वाली बात, यानी कि बेटा आपको साबित करना होता है अपने घर वालों को अपना टैलेंट, तो कहां किसका सहारा लेते हो, सही है। ऊपर क्या लिखा था, दो मिनट, सही है। अच्छा ओके, कल की क्लास में सारे स्टूडेंट्स बुक्स लाजमी लेके आएंगे, क्योंकि एक छोटी सी एक्टिविटी कराऊंगा आप लोगों, छोटी सी, ठीक है। एनी कंफ्यूजन टेल यार, कोई मसला, टेक्निक समझ में आ गई। देखो टेक्निक से करोगे तो होगा, वरना नहीं होगा। ए टू खुद से नहीं हो सकता, अभी बता दो। इमल देखिए सोशल सॉलिडैरिटी की कहानी, सही। वो क्या कह रहा है सोशल सॉलिडैरिटी के अंदर, वो क्या कहता है, वो बहुत सिंपल सी बात कह रहा है कि एजुकेशन सिस्टम एक यूनिटी क्रिएट कर रही है, एक कलेक्टिव कंसाइंस क्रिएट कर रही है, सोसाइटी की जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूज हैं उनके तरफ सोसाइटी को एग्रीमेंट लेके आती है। एनी कंफ्यूजन टेल यार, एक्चुअली मैंने पूरे एरिया को एक तरह से डिफाइन कर दिया, ठीक है। जो मैंने एग्जैक्ट पढ़ाया है उसकी एग्जैक्ट नोट्स आपके ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा आज, सही। अभी इसको छापें।